Hello everyone, today we will discuss about the most important topic of genetics, that is mutation. ठीक है, आपने ये म्यूटेशन वर्ड पहले भी सुना हुआ है क्या? इट इज़ ए सडनली, एकदम से क्या आता है, एक चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. हमने बोला इट इज़ ए सडन वेरिएशन, इट इज़ ए सडन चेंज. अब ये चेंज जो आया है, ठीक है, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? यस, ये जाएगा. इट इज़ इनहेरिटेबल. लेकिन क्या ये हर जनरेशन में जाता जाएगा? नहीं, इट इज ए डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. यानी दो वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या, कि इट इज ए इनहेरिटेबल वेरिएशन विच डज नॉट फॉलो द कंटिन्यूटी. यानी ये जरूरी नहीं है कि ये हर जनरेशन में जाता ही जाएगा. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे अंदर वेरिएशन हुआ कि जब मैं बॉर्न हुआ था तो मेरी आईज का जो कलर जो था, दैट इज ब्लैक. ठीक है, अराउंड 5 years की एज में मेरे ऊपर रेज पड़ी, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी, जिसके कारण मेरी आईज का कलर कैसा हो गया है, सपोज ब्राउन हो गया है. ठीक है, अब ये जो ब्राउन कलर जो हुआ है, ठीक है, ये चेंजेस जो आए होंगे, ये डेफिनेटली किस में आए होंगे? क्रोमोजोम में आए होंगे या जीन्स में आए होंगे. ठीक है, अब अगर ये कौन से क्रोमोजोम में आ गए? सेक्स क्रोमोजोम में आ गए हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेटली किस में जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. यानी ये वेरिएशंस कैसे हो जाएंगे? आपके इनहेरिटेबल हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएंगे तो क्या ये जरूरी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन जा रहे हैं वो F2 जनरेशन में जाएंगे? क्या ये जरूरी है? नहीं. सो दीज आर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. वर्ड मत भूलना, दीज आर डिसकंटिन्यूस एंड दीज आर इनहेरिटेबल वेरिएशन विच टेक्स प्लेस इन द क्रोमोजोम और ए जी. ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वेरिएशन कौन लेकर आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वेरिएशन. तो आपको याद रखना है, दीज वेरिएशंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू केमिकल्स, थ्रू रेज. ठीक है, ये जो केमिकल्स या रेज जो हैं जिनके कारण ये वेरिएशन डेवलप हो रहा है, दीज केमिकल्स, दीज रेज आर कॉल्ड म्यूटेजन्स. इनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेजन्स. ठीक है, तो म्यूटेजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा? देखिए यहां पर बात आ रही है किसने देखा, किसने उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी, वो नहीं बात कर रहे, किसने उसको सबसे पहले देखा. तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ह्यूगो डी व्रीज. आप जानते हैं अच्छे तरीके से उन 3 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था. उनमें से कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेरिएशंस को, इन म्यूटेशंस को देखा था, किसमें? एक प्लांट में जिसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज में. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, डार्विन ने इन म्यूटेशंस को या इन वेरिएशंस को नाम दिया था क्या? स्पोर्ट्स. याद रखना, इनको क्या नाम दिया था? स्पोर्ट्स. एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप लोगों को याद आ रहा होगा, लिंकेज हमने पढ़ा था. ठीक है, लिंकेज की डिस्कवरी किसने करी थी? टीएच थॉमस हंट मॉर्गन ने. ठीक है, और वहां पर जब उन्होंने लिंकेज डिस्कवर किया था तो किसमें किया था, ये भी याद आ रहा होगा आपको, किसमें किया था? फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में किया था. तो आपको प्रॉपरली याद रखना है क्या, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द म्यूटेशन वॉज थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने अपना वर्क किया था किसके ऊपर? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे. ठीक है, ये हमने जस्ट ओवरव्यू देखा, किसका? म्यूटेशन का मीनिंग देखा, म्यूटेशन के बारे में छोटी सी चीज हमने पढ़ी है. अब हम बात करेंगे क्या म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन म्यूटेशन, वो हम देखते हैं. आइए, ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की. देखिएगा, म्यूटेशंस आर ऑफ 6 टाइप. बच्चों याद रखना, म्यूटेशन कितने टाइप्स के हैं? 6. ठीक है, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ना एक एक म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट इस चार्ट को प्रिपेयर करिएगा, इसमें एक एक म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या है म्यूटेशन के बारे में. देखिए, फर्स्ट कैटेगरी जो है, फर्स्ट कैटेगरी के म्यूटेशन 2 टाइप्स के हैं, या मैं बोलूँगा फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेजन्स या एजेंसी विच कॉज म्यूटेजन, एजेंसी विच कॉज म्यूटेशन, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर म्यूटेशन देख रहे हैं. तो ध्यान से सुनना, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम पढ़ेंगे यहाँ पर. देर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, वन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एंड स्पॉन्टेनियस. मैंने आपसे बोला कि कोई म्यूटेजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
यानी कोई रेज, कोई केमिकल या कोई भी फिजिकल इरिटेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व्ड नहीं है म्यूटेशन में, सच म्यूटेशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। यानी इन म्यूटेशंस को मैं क्या बोलूँगा, नेचुरल म्यूटेशन। यानी जहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व्ड नहीं होएगा म्यूटेशन लाने के लिए, सच म्यूटेशंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इट मीन्स स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जस्ट सिंपली क्या हुआ, जीन में सडनली क्या हो गया, एक चेंज हो गया है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड। व्हाट यू मीन बाय इंड्यूस्ड, यानी किसी चीज को इंड्यूस करना। याद रखना, जहां पर म्यूटेजन्स इन्वॉल्व्ड होंगे, यानी केमिकल्स हो गए हैं, रेज हो गई हैं, अगर ये इन्वॉल्व होंगे, सच म्यूटेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हो गई होगी, इंड्यूस्ड एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। हमने किस बिहाफ पर बोला फर्स्ट कैटेगरी को, यहाँ पर हमने किस बिहाफ पर डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंसी इन्वॉल्व। ठीक है, सेकेंड, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप, सोमैटिक एंड जर्मिनल। किस बेसिस पे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर सडनली चेंज किस में आया, आपकी बॉडी की सोमैटिक सेल्स में आया, तो ऐसे म्यूटेशंस क्या कहलाएंगे, सोमैटिक। और सिंपल, अगर जर्म सेल्स में आ गया, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, आपके जर्मिनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन सोच के मुझे बताएं, इन दोनों में से कौन सा म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, कौन सा, जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन का मीनिंग है, सपोज मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ। कैसा म्यूटेशन हुआ, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ, सडनली मेरी आंखों का कलर जो है वो ब्लैक से कैसा हो गया, ब्लूश हो गया। ठीक है, कोई म्यूटेजन पड़ा, कोई रेज आई, गिरी मेरी आंखों पर, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जिसकी वजह से मेरी आईज का कलर कैसा हो चुका है, ब्राउन हो गया। ठीक है, ये क्या था, म्यूटेशन था। तो अब आप जरा सोचे, इस म्यूटेशन से, मैं जब तक म्यूटेशन नहीं हुआ था तब तक मैं क्या कहला रहा था, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब म्यूटेशन हो जाएगा, तो उससे जो म्यूटेंट वेराइटी क्रिएट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट। ठीक है, यानी नॉर्मल कब था, जब मेरी आंखों का कलर कैसा था, ब्लैक, दैट इज नॉर्मल, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ था। लेकिन म्यूटेशन होने के बाद में मेरी आंखों का कलर कैसा हो गया है, ब्राउन, दैट इज कॉल्ड म्यूटेंट। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब मेरी आंखों का कलर कैसा था, ब्राउन। ठीक है, सडनली वापिस से रेज पड़ी मेरी आंखों पर, फिर से मेरी आंखों का कलर कैसा हो गया, ब्राउन से अगेन कैसा हो गया, ब्लैक। यानी म्यूटेंट वेराइटी अगेन कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल वेराइटी, यानी नॉर्मल वेराइटी। सच म्यूटेशन इज कॉल्ड बैकवर्ड म्यूटेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, बोल सकते हैं कि अगर इवोल्यूशन कराना है तो कौन सा म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल था, फॉरवर्ड म्यूटेशन, जिसमें एक नॉर्मल वेराइटी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एक म्यूटेंट वेराइटी में। नाउ दिस म्यूटेंट वेराइटी इज कन्वर्टेड इनटू अगेन इनटू द नॉर्मल वेराइटी, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, ये हमारे बहुत सिंपल से टाइप्स के क्या थे, म्यूटेशन थे, इंड्यूस्ड स्पॉन्टेनियस फर्स्ट कैटेगरी, सोमैटिक जर्मिनल सेकेंड कैटेगरी, फॉरवर्ड बैकवर्ड थर्ड कैटेगरी। अब हमारे जो कोर्स कंटेंट में जो मेजर म्यूटेशन दे रखे हैं यहां पर, ये तीन है, कौन कौन सा, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसका भी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। क्या देखिए, दिस इज क्रोमोजोम, ठीक है, एंड क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, अब ये जो जीन जो है, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा डीएनए की, उसको देखने से पहले जस्ट इतना सा समझ लीजिए, अगर इस जीन में कोई चेंज आता है, क्रोमोसोम में नहीं, सिर्फ इस जीन में कोई चेंज आ रहा है, सच म्यूटेशन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। ठीक है, और अगर इस क्रोमोसोम की, ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर में, देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें थी, जीन म्यूटेशन का मतलब अगर जीन में कोई चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, वर्ड क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन।
एंड द लास्ट वन इज जीनोमैटिक म्यूटेशन. जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है अगर क्रोमोसोम की नंबर में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन. सपोज हमारी नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है 46. अगर ये 46 की जगह अगर 47 हो गई तो जरा सोचिए क्या यहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आया कि नंबर में चेंज आया. डेफिनेटली नंबर में चेंज आया. सच म्यूटेशन इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन, चेंज इन जीन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी और इट्स स्ट्रक्चर. एंड द जीनोमैटिक म्यूटेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? ये तीन म्यूटेशन पढ़ेंगे क्योंकि इनका आइडिया मैंने आपको दे दिया है. क्या? इंड्यूस स्पॉन्टेनियस सोमैटिक जर्मिनल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आइए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले ये तीन तरीके के म्यूटेशन. सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? जीन म्यूटेशन. ठीक है, देख रहे हैं दैट इज जीन म्यूटेशन. ठीक है, अब देखिए हालांकि ये वाला टॉपिक जो था जीन म्यूटेशन या म्यूटेशन आफ्टर सिक्स चैप्टर आना चाहिए था, बट यहाँ क्यों है कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन सिक्स चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ पर हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जीन के बारे में पढ़ते हैं, तब जाकर ये म्यूटेशन समझ में आता है. लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा डीएनए की स्ट्रक्चर समझाऊंगा तभी हम क्या पढ़ेंगे, जीन म्यूटेशन. आइए देखते हैं. देखिए जीन म्यूटेशन का मीनिंग क्या है. इट इज़ द ऑल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड. देखिए वर्डिंग समझिए क्या, ऑल्टरनेशन यानी कुछ चेंज आया है, ऑल्टरनेट हुआ है. ठीक है, यानी कुछ परिवर्तन आया है, कुछ चेंज आया है. किस में? इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड. अब आप कहेंगे साहब न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है? आइए बात करते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड. फिर हम बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियोटाइड. लेकिन ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताएं, आप सभी ने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था. ठीक है, उसमें आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था. मेरे ख्याल से एक एक बच्चा जानता है क्या प्रोटीन एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से. बहुत सिंपल सा वर्ड मैंने बोला है क्या? प्रोटीन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से. यानी प्रोटीन की कंस्टिट्यूटिव यूनिट्स क्या है? अमीनो एसिड्स. सिंपल सा था. अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना है क्या कि जिस तरीके से प्रोटीन एक बड़ी स्ट्रक्चर थी जिसकी यूनिट कौन थी? अमीनो एसिड. उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड एक बड़ी स्ट्रक्चर है जिसकी यूनिट्स जो हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, इसको इसी तरीके से कंपैरिजन में याद रखना. क्या? न्यूक्लिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज कंस्टिट्यूटिव यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. देखिए कैसे. देखिए न्यूक्लिक एसिड, हमने बोला न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है. That may be DNA or RNA. वो न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, क्योंकि DNA की फुल फॉर्म में क्या रहा है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. RNA की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड. यानी दोनों, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लिक एसिड के. ठीक, यानी जब हम DNA की स्ट्रक्चर देखेंगे तो DNA कौन है? एक न्यूक्लिक एसिड है. और न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से. सो DNA इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज RNA इज ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा. मैंने ये क्रोमोसोम बनाया है, इस क्रोमोसोम में क्या है? DNA है. कितने DNA है? दो है, एक ये DNA और एक ये DNA. ठीक है, इस DNA में से मैंने इतना सा पार्ट, DNA का एक छोटा सा पार्ट मैंने बाहर निकाल कर बनाया. दिस पार्ट, ये देखिए ये वाला, इस पार्ट को जो हेलिकल था मैंने इसको अनकॉइल्ड किया, सीधा हो गया, लीनियर हो गया. समझना स्टेप वाइज धीरे धीरे. क्रोमोसोम के अंदर DNA, DNA का एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल कर बनाया, इसको अनकॉइल्ड किया, स्ट्रेट कर दिया. ठीक है, अब स्ट्रेट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में आपको दो बैकबोन दिखाई दे रही हैं और दोनों बैकबोन एक लैडर लाइक मैनर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, यानी ये दो स्ट्रैंड है, ये दो धागे हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं. जब मैंने इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा तो मुझे पता लगा ये जो बैकबोन है, ये जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर. ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रैंड है,
दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर. तो देखिएगा फॉस्फेट शुगर, ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रैंड है, इधर भी पूरा एक क्या है, स्ट्रैंड है. यानी द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर. किससे बना हुआ है? फॉस्फेट से और शुगर से. अब शुगर कौन सी, याद रखना, पेंटोज शुगर. कौन सी शुगर है बच्चों? पेंटोज शुगर. C5H10 O5 नहीं है, O4 है. O4 क्यों है? क्योंकि एक ऑक्सीजन निकाल दिया है. सच शुगर इज कॉल्ड डी ऑक्सीराइबोज शुगर. यानी डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो शुगर मिल रही है दैट इज कौन सी शुगर है बच्चों? डी ऑक्सीराइबोज शुगर है. इस वजह से डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. तो मैंने यहां पर बात करी क्या, डीएनए की स्ट्रक्चर में जो बैकबोन है, ये वाला पार्ट जो है, ये स्ट्रैंड जो है, दीज आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर. फॉस्फेट एंड शुगर. शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज. ठीक है, अब देखिएगा, फॉस्फेट और शुगर आपस में बॉन्डेड है बाय ए बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ध्यान से सुनना, कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो किसको जोड़ रहा है? फॉस्फेट को शुगर से, देन अगेन शुगर को किससे? फॉस्फेट. फिर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट. यानी फॉस्फेट और शुगर, ये शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं बाय ए बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो ये पहला बॉन्ड हमने देखा डीएनए की स्ट्रक्चर में, कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सिंपल सा था. आगे देखिएगा सेकेंड, तो बैकबोन तो आपको समझ में आ गई. ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को इलैबोरेटेड मैनर में मैंने यहां पर बनाया. ऊपर देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर को ऊपर देखिए. ये तो बैकबोन थी, ये. ठीक है, अब इस बैकबोन से क्या निकल रहे हैं? देखिए कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे, ATTA, ATTA, GC, CG, GC. कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. दीज आर ATGC. ये क्या है? दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन बेस. इनको हम क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजन बेस. यानी वो कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होगी? नाइट्रोजन. दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन बेसिस, हालांकि इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 6th chapter में. नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप. दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजन बेस. एक का नाम है प्यूरीन एंड सेकेंड इज कॉल्ड पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स. ठीक है, प्यूरीन्स जो हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. या प्यूरीन्स कितने प्रकार के हमें मिलते हैं? दो. वन इज कॉल्ड एडेनिन, जिसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल ए. एंड सेकेंड इज कॉल्ड ग्वानिन, दैट इज कैपिटल जी. सो एडेनिन एंड ग्वानिन आर कॉल्ड प्यूरीन्स, वाइल थाइमिन एंड साइटोसिन यानी टी एंड सी आर कॉल्ड पायरिमिडीन्स. ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में डिफरेंस क्या है? ये हम 6th chapter में पढ़ेंगे. दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ रिंग का डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, प्यूरीन्स कौन है आपके? ए एंड जी आर कॉल्ड प्यूरीन्स, वाइल्ड टी एंड सी, थाइमिन एंड साइटोसिन्स आर कॉल्ड पायरिमिडीन्स. ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिएगा, ए हमेशा हमेशा ए किससे जुड़ता है? टी से. ए हमेशा किससे जुड़ रहा है? टी से. और टी हमेशा जुड़ेगा किससे? ए से. अब टी कौन था? सोचिए, टी था हमारा कौन? थाइमिन. और ए था कौन? एडेनिन. टी कौन है? पिरिमिडीन. ए कौन है? प्यूरीन. यानी पिरिमिडीन किससे जुड़ रहा है? प्यूरीन से. या प्यूरीन किससे जुड़ रहा है? पिरिमिडीन से. सिमिलरली जी कौन था? ग्वानिन. सी कौन है? साइटोसिन. ग्वानिन कौन है? प्यूरीन. साइटोसिन कौन है? पिरिमिडीन. यानी इस केस में भी प्यूरीन किससे जुड़ रहा है? पिरिमिडीन से. यानी इट मींस डीएनए में हमेशा प्यूरीन किससे जुड़ता है? पिरिमिडीन से. या पिरिमिडीन किससे जुड़ता है? प्यूरीन से. आइदर ए किससे जुड़ेगा? टी से. या जी किससे जुड़ेगा? सी से. दोनों में फर्क क्या था? इतना सा, ए जब टी से जुड़ेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन कितना? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड.
यानी ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड होएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि जी और सी के बीच में कौन सा होएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना सा डिफरेंस था, समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आपने नाइट्रोजन बेसिस को आपस में जोड़ा या नहीं जोड़ा, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कितने बॉन्ड हो गए हमारे, दो, एक फॉस्फोडाइस्टर जो फॉस्फेट को शुगर से या शुगर को फॉस्फेट से, हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसको, प्यूरीन को पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन को प्यूरीन से, यानी नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ रहा था। एंड द लास्ट वन, देखिएगा क्या आपको शुगर, ये शुगर क्या नाइट्रोजन बेस से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, शुगर किससे जुड़ रही है, नाइट्रोजन बेस से। दिस बॉन्ड, लास्ट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसको किससे जुड़वा रहा था, हमारे शुगर को किससे, नाइट्रोजन बेस से। सो दीज आर थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब इधर देखिएगा इस डीएनए की स्ट्रक्चर में, बेटा जी एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या कहलाते हैं, वन न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, वन न्यूक्लियोटाइड। तो जरा सोचिए, इस डीएनए की स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियोटाइड के सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है या नहीं है। तब आप सोचिए, इस डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। सो दिस डीएनए इज पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, और वी कैन से द डीएनए विच इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटिव यूनिट, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल भाषा में बोला बेटा जी, क्या ये एक न्यूक्लिक एसिड था, कौन, डीएनए, जिसकी जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ वन फॉस्फेट, वन शुगर एंड वन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है इसमें एक न्यूक्लियोटाइड के सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब मैं यहां पर दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूं, किससे जोड़ रहा हूं, सोच के मुझे बताएं, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जा रहा है बाय विच बॉन्ड, देखकर मुझे बताएं कौन सा बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नीट में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू, कौन सा बॉन्ड है, याद रखना कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस डीएनए को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है बच्चों, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहा है। ठीक है, सो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी है, डीएनए की। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों को मिलाकर क्या मैं नाइट्रोजन बेस पेयर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोलेंगे, जी एंड सी मिलकर क्या बोलेंगे, बेस पेयर, यानी किसका, नाइट्रोजन बेस का क्या मिल रहा है, पेयर। ये दोनों भी मिलकर क्या बोलेंगे, बेस पेयर, अगेन बेस पेयर, अगेन बेस पेयर। तो इस डीएनए में आपको कितने बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं, फोर बेस पेयर। जबकि इस डीएनए को देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर में देखिए कितने बेस पेयर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। मैंने इस स्ट्रक्चर में कितने बेस पेयर दिखाए हैं, सेवन बेस पेयर दिखाए हैं, समझ में आ गया। सो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी भैया, डिटेल में स्ट्रक्चर देखिए किसकी, डीएनए की। ठीक है, चलें आगे। अब आगे देखिएगा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन पढ़ने से पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय जीन। ध्यान से सुनना, जीन क्या होता है, जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, क्या होता है जीन। सपोज ध्यान से सुनना, ये भी एक जीन है, ये स्ट्रक्चर, इतनी सी स्ट्रक्चर क्या कहला रही है, जीन। दिस इज ऑल्सो जीन, ये भी कौन है, जीन। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जीन जो है क्या वो एक बेस पेयर से बना हुआ है या एक से ज्यादा बेस पेयर से बना हुआ है। आपको आंसर मिल गया होगा, क्या ये क्या है, वन बेस पेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीन। और ये क्या है, एक से ज्यादा बेस पेयर, ये भी क्या कहला रहा है, जीन। सो जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज मेड अप ऑफ आइदर वन नाइट्रोजन बेस पेयर और मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर। क्लियर है, आइएगा। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है, हम बोलेंगे जब जीन के बेस पेयर में, ध्यान से सुनना, जीन के बच्चों इन बेस पेयर में क्या आएगा, चेंज आएगा, देन दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। याद रखना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन, या और इलैबोरेटेड मैनर में, ऑल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था, ये था ना,
अब जरा सोचिए, इसमें अगर चेंज आएगा, न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा, न्यूक्लियोटाइड में भी स्पेसिफिकली किसमें, नाइट्रोजन बेस पेयर में अगर चेंज आएगा, देन दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो सिंपल सिंपल वर्ड में याद रखना, जीन म्यूटेशन का मतलब क्या था, किसमें चेंज आना, जीन की स्ट्रक्चर में। जीन की स्ट्रक्चर मतलब जीन के जो अंदर जो बेस पेयर मिल रहे हैं या डीएनए के जो बेस पेयर मिल रहे हैं उनमें अगर चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। आइए जीन म्यूटेशन के टाइप्स देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा जी। जीन म्यूटेशन आपके सिंपल से हैं, दो तरीके के, वन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत सिंपल, अगर एक नाइट्रोजन बेस पेयर में चेंज आता है, क्या बोला मैंने, एक नाइट्रोजन बेस पेयर में चेंज आता है, देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। उसको हमने क्या बोला है, पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक से मैं उसको क्या बोलूंगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, एक कौन है पॉइंट म्यूटेशन और एक कौन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या था, सिंगल बेस पेयर में चेंज आना क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। बहुत सारे बेस पेयर में चेंज आना क्या कहलाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिंपल सा था, अब इधर देखिएगा ध्यान से सुनना। अब पॉइंट म्यूटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है किससे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। देखिएगा पॉइंट म्यूटेशन के दो टाइप है, वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन, सेकेंड इज कॉल्ड ट्रांसवर्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांजिशन, देखिएगा हमने क्या बोला, प्यूरीन आइदर ए और जी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनादर प्यूरीन। या तो प्यूरीन की जगह कोई दूसरा प्यूरीन आ जाएगा या पिरिमिडीन की जगह कोई दूसरा पिरिमिडीन आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम पॉइंट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो सिंगल बेस पेयर की बात करेंगे। आइए देखिए, ये देखिए कौन था, ये जी। जी कौन है, इमेजिन करें, ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन कौन था, प्यूरीन। आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या बोल रहे हैं कि प्यूरीन जो ए था उसकी जगह क्या आ जाए, दूसरा प्यूरीन जी आ जाए, या प्यूरीन जी जो था उसकी जगह दूसरा प्यूरीन आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, सपोज मैं जी की जगह यहां पर अगर म्यूटेशन करके जी की जगह क्या लिख दूं, ए लिख दूं, तो आपने जी की जगह अगर ए लिखा है तो जी भी कौन था, प्यूरीन। प्यूरीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनादर प्यूरीन। अब इमेजिन करें अगर जी की जगह ए आ गया तो ए के सामने हमेशा कौन होएगा, टी होगा, होगा ना। अब जरा सोचिए सामने कौन है, सी है। सी कौन था आपका, पिरिमिडीन। तो ऑटोमेटिकली पिरिमिडीन सी की जगह दूसरा पिरिमिडीन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, टी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो बेटा जी अगर प्यूरीन की जगह दूसरा प्यूरीन आएगा तो डेफिनेटली पिरिमिडीन की जगह दूसरा क्या आ जाएगा, पिरिमिडीन आ जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। सिंपल सा था। नेक्स्ट ट्रांसवर्शन। अब मैंने आपसे बोला ट्रांसवर्शन का मतलब क्या था, प्यूरीन की जगह क्या आ जाए, पिरिमिडीन। ध्यान से सुनना, प्यूरीन की जगह कौन आ जाए, पिरिमिडीन। आइए देखिएगा, ये कौन है हमारा, प्यूरीन। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं पिरिमिडीन ला दूं, यानी ए की जगह इमेजिन करिए मैं क्या लेकर आ रहा हूं, टी, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये कौन है आपका, पिरिमिडीन था। पिरिमिडीन की जगह कौन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सी बात है कौन आ जाएगा, प्यूरीन आ जाएगा। वही सेम है क्या, प्यूरीन की जगह कौन आ जाएगा, पिरिमिडीन, ऑटोमेटिकली पिरिमिडीन की जगह कौन आ जाएगा, प्यूरीन। तो इस बात को आप समझिए, देखिए प्यूरीन के सामने हमेशा कौन होता है, पिरिमिडीन। अगर आप प्यूरीन को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली पिरिमिडीन भी क्या होएगा, चेंज होएगा। समझ में आ गया। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बता दूंगा, बहुत सिंपल सा था क्या, प्यूरीन की जगह दूसरा प्यूरीन रख दो या पिरिमिडीन की जगह दूसरा पिरिमिडीन रख दो, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांजिशन। प्यूरीन की जगह अगर पिरिमिडीन रख देंगे या पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन रख देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्शन। ठीक है, लास्ट वन फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या था, एक बेस पेयर में म्यूटेशन या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ना। तो देखिएगा अगर मैं यहां पर इन तीन बेस पेयर को यहां से हटा दूं, हटा दिया मैंने, बिल्कुल डिलीट कर दिया, सच टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉल्ड डिलीशन। बहुत सिंपल सा था, क्या कहलाएगा बेटा जी, ये नाम से पता लग रहा है, डिलीशन का मतलब क्या कर देना, हटा देना किसको, बहुत सारे बेस पेयर को, देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिलीशन। ठीक है, और दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, इंसर्शन का मतलब जो ये था इसमें कुछ और बेस पेयर एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब जरा सोचिए
ये तीन एक्स्ट्रा बेस पेयर अगर आ जाएंगे जो यहां पर पहले नहीं मिल रहे थे, अब आ गए हैं, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसर्शन। सो ये मैंने आपको जीन म्यूटेशन कंप्लीट किया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो म्यूटेशन हम बात करेंगे कौन सा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड क्या जीनोमैटिक म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज और क्रोमोसोम की नंबर में जो हम चेंज देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बाय।